सो ये जो है फिंगर स्वॉच है, कैन सी. सो नेक्स्ट मेरे पास एक गैजेट है. सो या दिस इज लाइक अफोर्डेबल एंड सो गुड इन क्वालिटी. इसको लगाते ही जाओ आप ऐसा लगेगा, बिकॉज समर में दिस इज लाइक सो रिफ्रेशिंग. जिन लोगों को ना पार्लर जाने का आदत है हर दूसरे वीक में, आई थिंक उन लोगों के लिए अभी ये लॉकडाउन पे ये अपना बेस्ट फ्रेंड होने वाला है. Hey my loves, what's up? Welcome back to my channel. I hope you all are safe and taking proper precautions. So, आज मैं finally my favorites video share करने वाली हूँ. आप लोग request कर रहे थे बहुत दिनों से कि अपना monthly favorite वाला share करो. Well, ये video monthly favorite तो नहीं है, लेकिन last कुछ दिनों से मैं कुछ products use कर रही हूँ, new products, and मुझे वो products बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है. So, I really want to share with you my favorites. So, there are total 14 items and उसमें skin care, hair care, makeup, टूल्स, गैजेट्स, एक्सेसरीज भी है. सो इफ यू वांट टू नो देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. एंड वन मोर थिंग, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है. अगर मैं थोड़ा सा अजीब लग रही हूँगी आज, बिकॉज मैंने मेकअप नहीं किया है, मैंने बस लिपस्टिक एंड मस्कारा अप्लाई किया है, बिकॉज आई डिडंट फील लाइक डूइंग इट. एंड इफ यू आर न्यू हियर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हिट द बेल बटन, ताकि मेरा कोई वीडियो सबसे मिस ना हो. सो फर्स्ट प्रोडक्ट इज अ मॉइस्चराइजर. दिस इज पॉन्स सुपर लाइट जेल. ये मेरा मस्ट हैव स्किन केयर में आ चुका है मॉर्निंग के टाइम पे. आई हैव कॉम्बिनेशन स्किन, मेरा टी जोन काफ़ी ज़्यादा ऑयली हो जाता है. सो उसके लिए आई नीड समथिंग जो कि सुपर लाइट हो एंड एट द सेम टाइम स्किन को मॉइस्चराइज भी करे. ये अपना काम करता है गाइज. दिस इज सो 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 लाइट वेट, इट स्मेल्स सुपर फ्रेश, इट हैज़ जेल लाइक कंसिस्टेंसी, लाइक सुपर लाइट वेट, यानी बहुत जल्दी से अपने स्किन पे अब्जॉर्ब हो जाता है. इट हैज़ टाइनी बिट कूलिंग सेंसेशन. इसको लगाते ही जाओ आप ऐसा लगेगा, बिकॉज समर में दिस इज लाइक सो रिफ्रेशिंग. बहुत ही अच्छा वाला स्मेल एंड जो कूलिंग इफेक्ट है ना, आई जस्ट लव दिस. जो प्रोडक्ट में दिखाने वाले हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप परचेज करना चाहते हो या फिर चेकअप करना चाहते हो तो. नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव इज मेकअप प्रोडक्ट. सो ये है लूज पाउडर एंड येस दिस इज द के ब्यूटी लूज पाउडर इन दी शेड बनाना. एंड जब से मैंने इसे परचेज किया है तब से मैं इसे रेगुलर यूज़ कर रही हूँ. इससे पहले मैं फिटमी वाला लूज पाउडर बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी. दिस इज माई करंट फेवरेट लूज पाउडर. दिस इज सुपर सुपर लाइट वेट, यू नो, बहुत ही फाइन माइल्ड पाउडर है एंड इट जस्ट गिव्स यू दैट एयर ब्रश वाला लुक, यू नो, एक बार ही में ही आपको अगेन एंड अगेन अप्लाई करना नहीं पड़ेगा. एंड द पैकेजिंग, ऑफकोर्स आई रियली लव द पैकेजिंग ऑफ इट. इसमें आपको ऐसा नेट वाला थिंग मिलेगा, इससे आप प्रेस करोगे तो प्रोडक्ट जो है बाहर आएगा एंड इससे आपका प्रोडक्ट कम वेस्ट होता है, एप्लीकेशन ईजी हो जाता है एंड मेसी होने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं है. सो नेक्स्ट है मेरे पास एक हेयर केयर प्रोडक्ट. सो ये है नायका का, नायका नेचुरल्स का ऑनियन एंड फेनुग्रिक शैम्पू. ये एक्चुअली मुझे पीआर में मिला था जब न्यू लॉन्च हुआ था. मुझे इसका इंग्रेडिएंट्स देख के मन किया कि मैं ट्राई करूं, बिकॉज द ओनली प्रॉब्लम आई हैव, आई यूज्ड टू हैव, इज हेयर फॉल प्रॉब्लम. सो या आई ट्राइड दिस वन एंड आई थिंक मैं इसे लास्ट टू मंथ से यूज़ कर रही हूँ. लास्ट टू मंथ्स या वन एंड हाफ मंथ से इसे यूज़ कर रही हूँ एंड रेगुलर इसे यूज़ कर रही हूँ. एंड मैं इसके साथ इसका जो कंडीशनर आता है वो भी यूज़ कर लेती हूँ, या फिर मैं इसके साथ लॉरियल का कंडीशनर भी यूज़ करती हूँ, वो चलता रहता है ऑल्टरनेटिव डेज पे. बट आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद दिस प्रोडक्ट. मेरा हेयर फॉल का प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो गया है एंड एक दो ही बाल अभी गिरते होंगे मेरा शैम्पू के वक्त वो भी. सो या आई रियली लव दिस प्रोडक्ट एंड आई हाईली हाईली रिकमेंड यू गाइस, अगर आपका हेयर फॉल का प्रॉब्लम है. एंड इसका प्राइस भी इज़ लाइक वेरी अफोर्डेबल, 399 फॉर दिस बॉटल एंड इसमें आपको मिलेगा 200 ml ऑफ प्रोडक्ट. स्मेल जो है इट्स नॉट दैट, यू नो, स्पा वाला स्मेल, बट आई डोंट माइंड बिकॉज उतना भी हार्ज फ्रेग्रेंस नहीं है एंड आई एम डेफिनेटली गोना रीस्टॉक इट. इट्स लाइक really my must have hair care product, आप कह सकते हो. Next up I have is makeup tool. So these are two brushes जो मैंने कुछ दिन पहले ही purchase किया था from Amazon. अब तक मैंने हॉल पर दिखाया भी था. ये स्विस ब्यूटी का मेकअप ब्रशेज है. ये 6 pieces का सेट में आता है. सो या ये जो है ये फाउंडेशन लाइक फ्लैट टॉप ब्लेंडिंग ब्रश है एंड दिस वन इज़ अ पाउडर ब्रश. आई रियली लव बोथ ऑफ देम. लाइक राइट नाउ मैं इन दोनों के अलावा फाउंडेशन एंड पाउडर के लिए और कोई ब्रशेज यूज़ करती ही नहीं हूँ. लाइक आई सो लव 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 दिस ब्रशेज. दिस आर लाइक सो अफोर्डेबल. लाइक 6 pieces का प्राइस है कि 605-650 ऐसा कुछ था. मतलब हर एक ब्रश आपको 100+ में मिल रहा है. सो या दिस इज लाइक अफोर्डेबल एंड सो गुड इन क्वालिटी. द ब्रिसल्स आर सुपर डुपर सॉफ्ट. ये पाउडर ब्रश यूज़ करके मैं ना इतनी
अपने इनर कॉर्नर तक भी जा सकती हूँ एंड अच्छी तरह से सेट हो जाता है। आई सो लव दिस पाउडर ब्रश, आई लव द फाउंडेशन ब्रश एज वेल। ब्रिसल्स आर सुपर डुपर सॉफ्ट एंड इट डेंस एट द सेम टाइम, तो मतलब आपका फाउंडेशन जो बच्चा से ब्लेंड हो जाता है एंड वो जो स्ट्रोक्स नहीं होता ब्रशेज का वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। सो राइट नाउ मैं फाउंडेशन के लिए बस यही ब्रश यूज़ करती हूँ। अभी तो मैं फिलहाल कोई भी मेकअप स्पंज यूज़ नहीं करती हूँ, ओनली दिस एंड आई एम गुड टू गो। सो कमिंग अप टू नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मुझे दिखता है, अगेन एक मेकअप प्रोडक्ट है एंड दिस इज, मतलब ये मैं नहीं दिखाऊंगी तो मतलब अनफेयर हो जाएगा। सो दिस इज बायोटिक स्टार ट्रक मैट ब्लश एंड ये जो मेरा शेड है दैट इज प्रॉमिस इन पिंक। इसका प्राइस है 450 रुपीज। ओ माई गॉड, वेन आई परचेस्ड इट आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड बिकॉज इसमें इतना थोड़ा बहुत शाइनी इफेक्ट है। आई डोंट हैव क्लियर ग्लास स्किन, मेरा स्किन पे भी टेक्सचर है एंड टेक्सचर स्किन पे ना अगर आप कुछ शाइनी अप्लाई करते हो आपका जो टेक्सचर कह लो उसे ये और एग्जैचुरेट करता है। सो आई डोंट लाइक शाइनी ब्लशेज या फिर शाइनी ब्रॉन्जर ऑन माई फेस, बट दिस वन राइट हियर इज सो सो गुड। इसका पिगमेंटेशन इज सो गुड। सो दिस इज द शेड राइट हियर। ये शायद मेरे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा अच्छी तरह से, एज अ ब्लश ये काफी ज्यादा पिगमेंटेड है एंड आई फील ये हर एक स्किन टोन पे बहुत ही खूबसूरत लगेगा। जो शाइनी इफेक्ट है ना ये उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है एंड चंक्स नहीं है इसमें, लाइक शिमर पार्टिकल्स नहीं है, इसलिए बहुत ही सुंदर लगता है एंड बहुत ही ना हेल्दी वाला ग्लो प्रोवाइड करता है। ये एग्जैचुरेट नहीं करता आपका टेक्सचर को, इट फील्स लाइक बटर, ये बहुत जल्दी जल्दी ब्लेंड हो जाता है। दिस इज सच एन अमेजिंग अंडर डेटेड प्रोडक्ट। लाइक मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस फॉलो करती हूँ, बहुत ज़्यादा मेकअप चैनल्स फॉलो करती हूँ, मैंने इसके बारे में उतना ज़्यादा बोलते कभी नहीं सुना है, बट इट नीड्स अ शाउट आउट यू गाइस, इट्स सो अमेजिंग एंड इट्स सो गुड। सो नेक्स्ट मेरे पास एक गैजेट है एंड ये है फिलिप्स का एपिलेटर। सो इसका काम है फेशियल हेयर या फिर बॉडी हेयर को रिमूव करना, एपिलेट करना, यानी कि ये पुल आउट कर लेता है फ्रॉम द रूट। ये एग्जैक्टली काम करता है वैक्सीन जैसा एंड ये मैंने खास करके मंगवाई है मेरे अंडर आर्म हेयर के लिए बिकॉज बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं अपने ना हैंड एंड मेरे लेग्स को शेव कर लेती हूँ, बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है एंड उतना जल्दी जल्दी हेयर ग्रो नहीं करता, बट आई यूज टू शेव माई अंडर आर्म एज वेल। वो क्या होता है, एक दिन या दो दिन बाद ही फिर से अंडर आर्म का हेयर जो है ग्रो होना शुरू हो जाता है। सो वो उसके बाद मैंने शिफ्ट किया जो वीट का जो वैक्सीन स्ट्रिप्स है उसमें। मैं अपना लेफ्ट वाला तो अपना राइट हैंड से कर लेती थी इजीली, बट मेरे राइट अंडर आर्म के लिए मेरे हमेशा मैंने मम्मी की हेल्प लेनी पड़ती थी। सो मैंने इसका रिव्यू देखा, मैंने इसको ऑर्डर किया एंड इसका प्राइस बता दूं मैं, इसका प्राइस आई गेस 2.5K कुछ था। मैंने इसे परचेस किया है फ्रॉम अमेजन। ये एक्चुअली चलता है ना इलेक्ट्रिक के हेल्प से। सो इसका ये रहा कॉर्ड, प्लग इन करके स्विच ऑन करके आपको इसे यहाँ पे 1 और 2 दिया हुआ है, आपको ड्यूरेशन पे करके आपसे चलाना होता है एंड इसके लिए मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ता। ये थोड़ा सा अगर आप बिगिनर हो, लगा रहे हो इसे फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो आपको शायद थोड़ा सा टिंगल कर सकता है बिकॉज ये एक एक करके अपना हेयर को ना पुल करते रहता है। सो उसके लिए थोड़ा सा टिंगल एंड थोड़ा सा पेन हो सकता है, बहुत ही कम, 1 या 2 स्ट्रोक में पूरा अंडर आर्म मेरा क्लियर हो जाता है। सो ये इट वर्क्स ब्यूटीफुली एंड मैंने इसे अपने अपर लिप से भी ट्राई किया है एंड आई अपर लिप से मेरा बहुत ही छोटा छोटा रहता है। सो ये बहुत ही अच्छी तरह से रिमूव कर लिया। आई मीन आई वाज सो इम्प्रेस्ड, मुझे लगा नहीं था कि इतना छोटा हेयर भी रिमूव कर पाएगा। आप बोलोगे कि ये तो बहुत प्राइसी है, लाइक 2.5K फॉर दिस प्रोडक्ट कौन खर्च करेगा, बट अगर आप पार्लर जाते हो तो मिनिमम 500 से लेके 1000 तक तो आपका वैक्सीन में चला जाता होगा, राइट 2-3 ईयर तक ये आराम से चला जाएगा। सो आप अगर हिसाब करो तो ये काफ़ी कम में आपको आपका काम जो है हो जाएगा। जिन लोगों को ना पार्लर जाने का आदत है हर दूसरे वीक में, आई थिंक उन लोगों के लिए अभी ये लॉकडाउन पे ये अपना बेस्ट फ्रेंड होने वाला है। सो या जस्ट गिव इट अ ट्राई एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ही अच्छा वाला चीज़ है एंड मैंने इसे, मुझे पता नहीं था ऐसी चीज़ भी होता है टू बी ऑनेस्ट। मैं कुछ दिन पहले पता किया क्योंकि मुझे परेशान हो गई थी वैक्स करते करते। सो या आई रियली लव दिस वन, आई एम सो हैप्पी दैट आई फाउंड इट अल्टीमेटली, लाइक मेरा सॉल्यूशन मिल गया है मुझे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम, मेरे पास अगेन एक मेकअप आइटम है एंड ये मुझे दिखाना ही था आप लोगों को बिकॉज दिस इज सो अमेजिंग। सो दिस इज निका के शुगर कोट पैलेट। इसका जो ओरिजिनल प्राइस है इट इज 1500 रुपीज, बट डोंट वरी, हमेशा आपको 750 रुपीज में मिल जाएगा। ओ माई गॉड, ये थोड़ा सा प्राइसी है लेकिन ट्रस्ट मी दिस इज सो 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 वर्थ इट बिकॉज हर एक शेड्स आर सुपर डुपर पिगमेंटेड एंड लुक एट द शेड्स यू गाइस। ने बीच में आपको मिलेगा मैट शेड्स, दिस शिमरी शेड्स आर सो गुड, पूरा इनो टेक्सचर्ड शेड वाला फील देता है एंड सो पिगमेंटेड द मैट एज वेल एज द शिमर। एंड यहाँ पे एक आपको लाइक दिस सिल्वर वन, ये जो है ये प्रेस्ड ग्लिटर है, ये भी काफ़ी पिगमेंटेड है। मैं आपको कुछ शिमर्स एंड कुछ मैट एंड इसका एक बार स्वॉच दिखाती हूँ। मैंने इसका हॉल पे शेयर किया था, मैंने वहाँ पर भी आपका इसका स्वॉच जो है शेयर किया था। सो ये जो है फिंगर स्वॉच है, कैन सी।
वन इज द मैट वन, ये तीन जो है शिमोनी शेड है, एंड दिस वन इज द प्रेस्ड ग्लिटर वन। सो मैंने ऑलरेडी इस पैड को यूज करके एक ट्यूटोरियल डाला हुआ है यूट्यूब पे, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। सो गुड यू गाइज, आई मीन आई सो लव दिस वन। मैंने लास्ट कुछ दिनों से बहुत सारा आईशैडो पैलेट्स ट्राई किया है, बट दिस वन टू बी ऑनेस्ट मतलब उस सब में से बेस्ट पैलेट रहा है। सो कमिंग अप टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, सो ये जो है ये आई लैशेज का सेट है, ये 5 पेयर सेट है। मैंने इसे परचेज किया था फ्रॉम अमेजन एंड इसका प्राइस आई थिंक 250 अराउंड कुछ था। दिस आर लाइक सुपर नेचुरल लुकिंग वाला लैशेज एंड ये सुपर फ्लैटरिंग, ये बिल्कुल भी प्लास्टिक के इफेक्ट नहीं देता है, जो कि द बेस्ट थिंग है अबाउट दिस। कभी कभार क्या होता है ना, जो कि अफोर्डेबल आई लैशेज है उसका जो आई लैश बैंड है ना वो बहुत ज़्यादा टाइट होता है, तो टाइट मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो अब आप ग्लू अप्लाई करते हो लगाते हो हार्डनेस की वजह से वो इनर कॉर्नर से अपने आप निकल जाता है कुछ देर बाद। बट इसका जो लैश बैंड है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बोलूँगी लेकिन उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टिक हो जाता है एंड विद अ प्रॉपर ग्लू ये बहुत देर तक लास्ट भी करता है एंड इट लुक्स सुपर नेचुरल। अभी तक तो मैंने एक एक लैशेस को 3-4 बार यूज़ कर लिया होगा एंड ये अभी तक इंटैक्ट है, लाइक एक भी लैश जो है निकला नहीं है। आई मीन आई एम सो इम्प्रेस्ड विद दिस प्रोडक्ट। सो नेक्स्ट मेरे पास एक नया प्रोडक्ट है जो मैं लास्ट कुछ दिनों से यूज़ कर रही हूँ, 2 वीक्स हो ही गया है अभी तक। सो ये जो है ये मिस क्लेयर का नेल ग्लू है। तो मैंने इसे मृदुल शर्मा का रिकमेंडेशन पे परचेस किया है। सो एज यू कैन सी ये मेरे फेक नेल्स है, यस ये मेरे ओरिजिनल नेल्स नहीं है। एंड यू गाइज वर आस्किंग मेरे इंस्टाग्राम पे कि आपका ये जो है ये कितना देर तक लास्ट करता है, क्योंकि मैंने भी पहली बार यूज़ किया है तो मुझे पता नहीं था। ये मैंने परचेस किया है फ्रॉम अमेजन, इसका प्राइस आएगी 250 या 300 अराउंड होगा एंड दिस इज सो गुड यू गाइस। इसका स्मेल थोड़ा सा यू नो फेविक्विक जैसा है बट इट्स रियली रियली गुड। लाइक मेरा नेल जो है ये पूरा लाइक पाँचों फिंगर का नेल्स ना 7 डेज तक तो लास्ट कर रहा ही, उसके बाद ये वाला उठ गया एंड ये वाला उसके 2 दिन बाद उठा है, बट ये दो आर इंटैक्ट लाइक अभी भी है, अभी भी ये स्टिक होके रखा है एंड मैं इसे पुल करूँगी तो ये उठेगा नहीं, लाइक इट्स सो सो गुड। आई नो यू गाइस विल आस्क अबाउट दिस स्टिक ऑन नेल्स, सो ये भी मैंने परचेस किया है फ्रॉम अमेजन। तो नेक्स्ट मेरे पास है एक स्किन केयर आइटम, सो दिस इज निविया स्किन व्हाइटनिंग स्मूथ स्किन डिओड्रेंट, बिकॉज आई स्वेट अ लॉट, लिटरली अ लॉट एंड आई रियली वॉन्ट टू ट्राई दिस वन आउट, क्योंकि मुझे इसका अच्छा वाला रिव्यूज़ सुनने को मिला था। सो इसका प्राइस बता दो, इट्स लाइक 199, बहुत ही अफोर्डेबल है। मैं इसे लास्ट 12 और 13 डेज से यूज़ करूँगी शायद, बट मुझे इसका वाइटनिंग वाला पार्ट का नहीं पता कि ये डार्क अंडरआर्म्स को वाइट बनाता है या आई मीन इवन टोन करता है कि नहीं या फिर लाइट करता है कि नहीं, बट ये जो है ये स्वेट को कंट्रोल ज़रूर करता है एंड इसका जो स्मेल है, इसका जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत देर तक लास्ट करता है। मैं इसे यूज़ करती हूँ मेरे नहाने के बाद, समर के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, लाइक आप चाहो बाहर जा रहे हो या फिर घर पे रह रहे हो स्वेट तो होना ही है। मैंने इसे पहले कभी डिओड्रेंट यूज़ नहीं किया है बट दिस इज लाइक रियली सो गुड एंड या आई मीन आई रियली लव दिस वन। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरे पास है अगेन एक मेकअप प्रोडक्ट, सो ये है पैक आई लैश ग्लू। आप पूछते रहे तो कि आप कौन सा आई लैश ग्लू यूज़ करते हो, सो इसे मैंने कुछ दिन पहले इन्हें परचेज किया था। इसके पहले मेरे पास था अर्डेल का आई लैश ग्लू, बट आई फील लाइक ये बेस्ट है, लाइक इसका स्टिकिंग पावर लास्टिंग पावर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसका एप्लीकेशन भी बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि इसका आपको ऐसे एप्लीकेटर लाइक ब्रश टिप एप्लीकेटर मिलेगा, जब तक मैं इसे निकालू ना तब तक ये रहता है मेरे आईज पे। दिस इज लाइक हैसल फ्री ग्लू लाइक फॉर मी, बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली है एंड बहुत ही जल्दी जल्दी स्टिक हो जाता है, बिल्कुल ही मैसी नहीं होता। कमिंग अप टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, मेरे पास अगेन एक मेकअप प्रोडक्ट है, सो ये है स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस हाईलाइटिंग प्राइमर। ये जो मेरा शेड है ये है 01 नेचुरल टिंट, इसका प्राइस है ₹349 ओनली एंड ये आपको ऐसे पंप पैकेजिंग में मिलेगा। दिस इज एट आई मीन कैन यू सी, ये एक हेल्दी ग्लो प्रोवाइड करेगा एंड आप इसे क्लोज भी देखोगे ना आपको कोई शिमर पार्टिकल्स या फिर शिमर चंक्स जो है वो नज़र नहीं आएगा एंड द शेड इज लाइक आपको लग रहा है कि वाइट शेड है बट आई फील कि ये हर एक स्किन टोन पे मैच कर जाएगा क्योंकि यू नो मेल्ट हो जाता है स्किन पे। एंड वन थिंग ये जो है ये आपका अगर आपको ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है ना तो ये उसको फिल नहीं करेगा बिकॉज इट्स नॉट अ पोर फिलिंग प्राइमर बट इट्स डेफिनेटली अ ग्लोई प्राइमर। तो अगर आपको ग्लो चाहिए अंडर योर मेकअप आप इसे अप्लाई कर सकते हो फॉर दैट हेल्दी लुकिंग वाला ग्लो। इट्स रियली एन अमेजिंग प्रोडक्ट।
सो नेक्स्ट द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस वीडियो इज अ बैग. सो दिस इज द बैग राइट हियर. एंड मैं इसे लास्ट जब मैं बाहर जा रही थी तो मैं इसी बैग के अलावा ना किसी और बैग को यूज कर ही नहीं रही थी, बिकॉज इट लुक्स सो गॉर्जियस, सो यू नो ट्रेंडी एंड हाई क्लास वाला लुक देता है. एंड इसे मैंने परचेज किया है क्या था एक इंस्टाग्राम स्टोर से. उसका स्टोर का नाम है कूल फेरी स्टोर. एंड इसका प्राइस आई गेस यू नो 750 रुपीज़ था. एंड शिपिंग मुझे कुछ 70 रुपीज़ देना पड़ा एक्स्ट्रा. सो या एंड दिस इज़ लाइक मैंने उस स्टोर से ना इससे पहले भी एक टॉप एंड एक बैग परचेज किया है. बहुत ही अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट जो है उन लोग प्रोवाइड करता है बहुत ही कम प्राइस में. एंड बहुत ही ट्रेंडी बैग आपको मिल जाएगा. सो या ये मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा. सो इसका आपको एक ही जिप मिलेगा यहाँ पे. बहुत छोटा सा बैग है आपका, इसमें आपका फ़ोन पर्स एंड सैनिटाइजर तो आ ही जाएगा. इसमें आपको होने का टोटल 3 अटैचमेंट्स. लाइक मुझे एक्चुअली इसका और एक अटैचमेंट मिल नहीं रहा, मैंने कहाँ रख दिया आई डोंट रिमेम्बर. और एक अटैचमेंट और एक बेल्ट आता है जो कि इसी लेंथ का है, बट ये जो है ये मटेरियल का है, इस सेम बैग का मटेरियल का है. सो या दिस इज लाइक सुपर ट्रेंडी, सुपर क्यूट एंड येट सुपर गुड इन क्वालिटी. एंड इसका कलर की बात करूँ तो मैं इसे काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ, बट इसका कलर जो है अभी तक वैसा ही रहा है. कुछ कलर का चेंजेस मुझे अभी तक नज़र नहीं आया. सो या इट्स लाइक वेरी गुड वन. एंड अगर आपको उस इंस्टाग्राम का लिंक चाहिए ना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कर लेना. मैं इस बैग का या फिर इंस्टाग्राम स्टोर का लिंक दे दूँगी. There is one more product. So ये है नो स्ट्रिप्स बाई मिनीसो. वेल आई बॉट दिस फ्रॉम मिनीसो का स्टोर, बट ये अमेजन पे भी अवेलेबल है. ये इसमें आपको 10 पीसेस मिलेगा, नो स्ट्रिप्स मिलेगा. एंड इसका प्राइस है जस्ट ₹190. आई यूज़ दिस एवरी ऑल्टरनेट वीक. ये बहुत ही अच्छी तरह से मेरे जो वाइट हेज एंड ब्लैक हेज है वो उसे रिमूव कर लेता है. एंड बहुत ही स्मूथ लगता है इसे यूज़ करने के बाद. ये थोड़ा सा पेनफुल है, बट यू नो जस्ट वर्थ इट बिकॉज द आफ्टर इफेक्ट इज़ सो गुड. एंड एब्सोल्यूटली दिस इज माई फेवरेट प्रोडक्ट जब से मैंने इसे परचेज किया है. एंड आई एम गोना रीपर्चेज इट सून. सो या दैट वॉज माई करेंट फेवरेट प्रोडक्ट. आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो. एंड अगर आपको हेल्पफुल लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना. एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल.